ये जो क्लिप है ना, ये जब तक आपका बंद नहीं होगा तब तक आपकी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी। कोई कमी नहीं है गाड़ी में यार, बताओ टाटा ने ऐसी गाड़ी भी बना दी। तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स में पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो पहले आपको टियागो में देखने के लिए नहीं मिलते थे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका अपने चैनल डी कॉस इन्फो पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मिस्टर डी एस बिज। दोस्तों तो आज जिस गाड़ी के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, ये है आपकी टाटा की टिगोर गाड़ी। एक्सटी वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है भाई। इसके बारे में हम क्यों बात करेंगे, क्योंकि भाई ये गाड़ी भी अब आपकी सीएनजी में लॉन्च हो चुकी है। यहाँ पे भाई वही सीएनजी है, आईसीएनजी जो फीचर ये आपका अल्ट्रोज में लेके आई, जो आपका पंच में लॉन्च किया है, वही अब इन्होंने आपका टियागो में भी है और आपका टिगोर में भी है लॉन्च हो चुका है। तो आज डिटेल से बात करेंगे इस वेरिएंट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा तक का जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं डिटेल्स है गाड़ी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक्सटी वेरिएंट है, इसका सीएनजी वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है। एक्सशोरूम वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 7,35,000 रुपए का एक्सशोरूम देखने के लिए मिल जाती है। ऑन रोड आते आते ये गाड़ी आपको समथिंग अराउंड 8.5 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड पड़ती है। और बात करेंगे भाई चौड़ाई की, भाई क्योंकि फ्रेंड मंगाए और चौड़ाई की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपको इस गाड़ी की चौड़ाई देखने के लिए मिलती है वो 1677 mm की ओवरऑल विड्थ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। फ्रंट में देखेंगे तो ग्लॉसी ब्लैक में आपको ग्रिल पोर्शन देखने के लिए मिल जाता है और टाटा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करते हैं तो हेडलैम्प्स में आपको रिफ्लेक्टर हैलोजन हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको इंडिकेटर की पोर्शन देखने के लिए मिल जाती है हैलोजन में ही। यहाँ पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट का वर्क भी देखने के लिए मिल जाएगा गाड़ी में नीचे, लेकिन इसमें आपको फॉग लैम्प की प्लेसिंग देखने के लिए नहीं मिलती। यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक का वर्क भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कहीं ना कहीं गाड़ी के लुक्स को इनहेंस करता है। भाई साइड पोर्शन से चलते तो भाई साइड पोर्शन से गाड़ी का लुक आपको देखने के लिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है। भाई बात करेंगे ओवरऑल लेंथ की, तो भाई यहाँ पे आपको 3765 mm की ओवरऑल लेंथ देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात करेंगे ओवरऑल हाइट की, तो यहाँ पे आपको 1535 mm की ओवरऑल हाइट देखने के लिए मिलेगी। इंडियन सड़कों में चल रहे हैं भाई, ग्राउंड क्लियरेंस जरूरी है, तो यहाँ पे आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है। और व्हील बेस की बात करेंगे तो 2400 mm का व्हील बेस यहाँ पे आपको गाड़ी में देखने के लिए मिलता है। साइड पोर्शन से खड़े टायरों की बात ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे जो आपको टायर्स मिलते हैं वो आपको स्टील व्हील में टायर यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन व्हील कवर का डिजाइन ऐसा है कि आपको लगता है अलॉयज है। फ्रंट में यहाँ पे आपको गाड़ी में डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर टायर प्रोफाइल की बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 175/65R14 का टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिलता है। ऊपर बढ़ेंगे तो भाई यहाँ पे आपको जो ORVM देखने के लिए मिलता है वो ब्लैक कलर में देखने के लिए मिलता है गाड़ी का, और यहाँ पे आपको LED टर्न इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं ORVM में ही। बाकी अगर B+ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मैट ब्लैक में B+ देखने के लिए मिल जाते हैं। पोल एंटीना आपको फ्रंट में ही देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी में। भाई बाकी डोर में कोई भी स्मार्ट की एंट्री का बटन आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। रियर टायर में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। पीछे की तरफ चलते तो भाई पीछे से गाड़ी का लुक आपको देखने के लिए कुछ इस तरीके से मिलता है। सेंटर में टाटा का लोगो, टियागो की बैजिंग, ICNG की बैजिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। हैलोजन में टेल लैंप्स यहाँ पे आपको गाड़ी में देखने के लिए मिलते हैं। ये आपका इंडिकेटर का पोर्शन हो गया, ये आपकी रिवर्स लाइट हो गई, ये आपकी ब्रेक लाइट का ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अगर बंपर्स में बात करेंगे रियर में, तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स में पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो पहले आपको टियागो में देखने के लिए नहीं मिलते थे। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी वॉशर डिफॉगर देखने के लिए नहीं मिलता है। आपको यहाँ पे हाइमोंड स्टॉप लाइट देखने के लिए मिल जाएगी गाड़ी में। सीएनजी की बैजिंग, वोकल फॉर लोकल की बैजिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। बूट को ओपन करके देखते हैं भाई बूट में क्या क्या चीज आपको देखने के लिए मिलती है। चलिए बूट को करते हैं ओपन, तो भाई बूट कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। भाई छोटी सी गाड़ी है, छोटा सा बूट स्पेस भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अगर बात करेंगे यहाँ पे सीएनजी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है कुछ इस तरीके से। और अगर बूट स्पेस की बात करते हैं तो भाई यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो आपको बूट स्पेस मिलने वाला है समथिंग अराउंड आप मान लीजिए 150 लीटर से 170 लीटर तक का बूट स्पेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी आपको यहाँ पे पार्शियल ट्रिक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको एसेसरीज में परचेज करनी पड़ेगी। तो ये तो था भाई कुछ इसका बूट। बूट को करते हैं बंद, को ड्राइवर साइड आते हैं तो भाई यहाँ पे आपको इसका फ्यूल टैंक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। भाई फ्यूल टैंक के ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पेट्रोल और सीएनजी दोनों यहीं से फिल होती हैं। अगर पेट्रोल की कैपेसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 35 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर सीएनजी की बात करेंगे तो 60 लीटर की वाटर टैंक कैपेसिटी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है सीएनजी में। एक अच्छा खासा सेफ्टी फीचर यहाँ पे आ जाता है कि भाई जब तक का ये जो क्लिप है ना, ये जब तक आपका बंद नहीं होगा तब तक आपकी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी। तो ये एक सेफ्टी फीचर भी यहाँ पे आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है। चलिए चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर देख लेते हैं इंटीरियर से क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। चलिए करते हैं डोर को अनलॉक। जैसे ही डोर हम ओपन करते हैं तो भाई कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है डुअल टोन में। भाई ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक देखने के लिए मिलता है। 4x4 पावर विंडो के स्विच यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। डोर हैंडल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है ब्लैक फिनिशिंग में। यहाँ पे आपको देखेंगे तो बॉटल होल्डर स्पेस मिलता है 0.5 लीटर का। बाकी मैप पॉकेट वगैरह यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है कुछ इस तरीके से। स्पीकर्स की प्लेसिंग यहाँ पे आ जाती है गाड़ी में। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM के फंक्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। इंटीरियर देखते हैं तो गाड़ी का कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने के लिए
में मिलता है भाई। ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। सीट्स का जो फैब्रिक है वो भी आपको ब्लैक कलर में देखने के लिए मिलता है। अंडर थाई सपोर्ट भी आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है। सीट हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन आपको हाइड्रोलिक में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपका फ्यूल टैंक का कैप ओपन करने के लिए और यहाँ से आपको बूट ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप हुड ओपन कर सकते हैं गाड़ी का। यहाँ पे आपको एक पॉकेट मिल जाती है जिसमें आप अपना वॉलेट फोन कॉइन वगैरह कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल जाएगा जो आउटर से आपको ग्लॉसी ब्लैक में देखने के लिए मिलता है और जिसके आउटर में आपको क्रोम ट्रीटमेंट का वर्क भी देखने के लिए मिलता है जो गाड़ी के लुक्स को इनहेंस करता है। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं भाई कैसा फील होता है। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर। अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिल जाता है आपको, जिसमें ग्लॉसी ब्लैक का वर्क भी देखने के लिए मिलता है। सेंटर में टाटा का लोगो मिल जाएगा क्रोम में और लेफ्ट हैंड साइड में आपको म्यूजिक के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो आपको ओनली टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स, राइट हैंड साइड में आपको इंडिकेटर और हेडलैम्प के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। क्लस्टर आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है, डिजिटल क्लस्टर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी में कुछ इस तरीके से। फ्यूल का ऑप्शन आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, सीएनजी का ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, फ्यूल का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे आउटर से भी आप देखेंगे तो क्रोम ट्रीटमेंट का वर्क मिलता है जो गाड़ी के लुक्स को कहीं ना कहीं इनहेंस करता है। सेंटर कंसोल की तरफ चलेंगे तो भाई कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं जिसका आउटर में आपको क्रोम ट्रीटमेंट का वर्क मिलता है और यह पूरा पैटर्न आपको ग्लॉसी ब्लैक में देखने के लिए मिलता है। फेदर टच में यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने के लिए मिलती है और यहाँ से आप सीएनजी को स्विच कर सकते हैं। फिर यहाँ उससे नीचे आपको एसी के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। मैनुअल में एसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइप ए पोर्ट मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का अडैप्टर सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको फोन रखने के लिए प्लेसिंग मिल जाती है और यहाँ पे देखेंगे तो आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन में गियर नॉब देखने के लिए मिल जाएगा जिसके कॉर्निंग से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ग्लॉसी ब्लैक का वर्क देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक की प्लेसिंग आ जाएगी जिसकी टिप क्रोम में आती है। 2 कप होल्डर का ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको एक पॉकेट मिल जाती है जिसमें आप कॉइन वगैरह कैरी कर सकते हैं। अब बात करेंगे भाई ग्लोब बॉक्स की, तो ग्लोब बॉक्स आपको देखने के लिए कुछ इस तरीके से मिल जाता है। काफी अच्छा खासा स्पेस भी आपको ग्लोब बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको कार्ड ऑर्गेनाइजर मिल जाता है, यहाँ पे आपको पेन होल्ड करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो मैनुअली एडजस्टेबल IRM यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा। को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं इसके हेडरूम स्पेस की, तो भाई हेडरूम स्पेस आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। ठीक ठाक हेडरूम स्पेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट भी यहाँ पे आपको गाड़ी में ठीक ठाक देखने के लिए मिलता है। हेडरूम स्पेस की बात करेंगे तो वो भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो भाई ये तो था कुछ इसका फ्रंट। बात कर लेते हैं इसके रियर सीट्स की, देख लेते हैं रियर सीट्स में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए चलते हैं पीछे की तरफ, बात करते हैं पीछे। तो भाई जैसे पीछे का डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे वही डुअल पैनल में आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। हार्ड प्लास्टिक पावर विंडो का स्विच, डोर हैंडल ब्लैक फिनिशिंग में, यहाँ पे आपको स्पीकर्स की प्लेसिंग, बॉटल होल्डर स्पेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। इंटीरियर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए चलते हैं इंटीरियर के अंदर, देख लेते हैं भाई कैसा फील होता है। चलिए दरवाजा करते हैं बंद। तो भाई मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर। अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको लेग रूम स्पेस, नी रूम स्पेस, थाई सपोर्ट, सब चीज अच्छी खासी मिल जाती है भाई। कोई कमी नहीं है इस गाड़ी में, कोई कमी नहीं है गाड़ी में यार। बताओ टाटा ने ऐसी गाड़ी भी बना दी जिसमें आपको स्पेस भी मिल जा रहा है, सीएनजी भी मिल जा रही है, माइलेज भी मिल जा रहा है, मतलब भाई सेफ्टी भी मिल रही है, सभी चीज है भाई, कोई कमी नहीं है। बात करेंगे भाई फ्रंट में जो आपको हेडरेस्ट मिलते हैं, दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। ड्राइवर सीट के पीछे कोई मैगजीन पॉकेट नहीं मिलती, ना को ड्राइवर सीट के पीछे आपको कोई मैगजीन पॉकेट मिलती है। यहाँ पे आपको एक बॉटल होल्डर स्पेस जरूर मिल जाता है गाड़ी में। फिर यहाँ पे आपको सेंटर में रीडिंग लैंप का ऑप्शन मिल जाता है गाड़ी में। रियर के जो हेडरेस्ट आते हैं ये आपको दोनों फिक्स हेडरेस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। बात करेंगे भाई हेडरूम स्पेस की, भाई हेडरूम स्पेस आप देखेंगे तो आपको गाड़ी में कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। अच्छा खासा हेडरूम स्पेस मिलता है। रिक्लाइनिंग पोजीशन भी आपकी सीट्स की काफी अच्छी खासी है तो आपका राइड जो है काफी कंफर्टेबल रहने वाली है भाई। कुशनिंग भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाती है गाड़ी में। तो भाई ये तो था कुछ इसका रियर सीट्स का। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन में, जान लेते हैं इंजन में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। तो चलिए चलते हैं इंजन की तरफ। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ इसके इंजन सेक्शन में। अगर इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर में 3 सिलेंडर रेवरट्रॉन BS6 फेज 2 इंजन देखने के लिए मिल जाता है। अगर इसकी पावर की बात करेंगे भाई सीएनजी में, क्योंकि सीएनजी गाड़ी हम बात करें तो यहाँ पे आपको 72 की BHP और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क गाड़ी निकाल के देती है। माइलेज की अगर बात करेंगे तो 26.5 KMPL का माइलेज कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है। और वहीं पे अगर आप इसे पेट्रोल में चलाते हैं तो आपको जो BHP है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी 84 BHP हो जाती है यहाँ पे। और टॉर्क मिलता है वो आपको 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देती है गाड़ी। और माइलेज की बात करेंगे तो 5 KMPL का माइलेज यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है अगर आप इसे पेट्रोल में चलाते हैं तो। और ब्रेकिंग में और अगर वैसे सेफ्टी में बात करें तो यहाँ पे आपको ABS, EBD, ESP जैसे फीचर्स यहाँ पे आपको गाड़ी में देखने के लिए मिल जाते हैं भाई। अगर वारंटी की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की देती है। और हुड में भी देखेंगे तो आपको इंसुलेशन का वर्क यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है भाई। तो ये तो था कुछ इसका इंजन। अब कर लेते हैं फाइनल वॉक अराउंड।
तो दोस्तों हमने बात करी इस गाड़ी के बारे में जो हमारे सामने खड़ी है, टाटा की एक्सटी वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है। सीएनजी में आपको देखने के लिए मिल जाती है, सीएनजी भी भाई आईसीएनजी आपको देखने के लिए मिलती है। सेफ्टी फीचर्स में अगर बात करेंगे सीएनजी में, तो भाई सिंगल एडवांस ईसीयू है, लीक डिटेक्शन है, थर्मल इंसिडेंट प्रोटेक्शन है, सारी चीजें डायरेक्ट स्टार्ट जैसे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। भाई डायरेक्ट स्टार्ट क्या है कि भाई इस गाड़ी को आप सीएनजी में ही डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, जो नॉर्मली और सीएनजी गाड़ियों में आप नहीं कर सकते। ये फंक्शन केवल आपको टाटा में ही देखने के लिए मिलता है। प्राइस वैल्यू की भी बात हमने करी, भाई आपको ज्यादा महंगे प्राइस में यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। आप ये मान के चलिए भाई 7,35,000 रुपए में आपको शोरूम मिल जाती है, 8.5 लाख रुपए के आसपास आपको ऑन रोड आ जाती है। स्विफ्ट से कहीं ना कहीं एक बेटर गाड़ी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, माइलेज भी अच्छा खासा मिलता है, सेफ्टी भी अच्छी खासी मिलती है। तो दोस्तों ये गाड़ी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल में न्यू व्यूवर्स हो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। चलिए चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।